और आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर बता दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे वार्ड सचिव, कई जिलों से आए वार्ड सचिवों ने किया हंगामा, जिसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यालय का घेराव किया गया था। भाजपा कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में वार्ड सचिव धरना पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। बिहार के कई जिलों से आए वार्ड सचिव हंगामा करने लगे और वहां पर पथराव भी करने लगे, जिसके बाद से वार्ड सचिवों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया है। जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय के बाहर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। गौरतलब है कि पटना के गर्दनी बाग में 13 दिन से पंचायत वार्ड सचिव धरना पर बैठे थे, लेकिन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और इन लोगों की जो मांग है वो लगातार जो है, इनका कहना है कि हम लोगों को अस्थाई किया जाए, 4 साल का वेतन दिया जाए। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर वार्ड सचिव जो हैं हंगामा करते हुए नजर आ रहे, इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ पर जमकर हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, जिसके बाद से पुलिस को माहौल को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज इस वक्त किया गया है क्योंकि उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था वार्ड सचिवों की तरफ से और हालात को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ज्यादा जानकारी के साथ विवेक रंजन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। विवेक, अभी किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, क्योंकि उग्र प्रदर्शन करते हुए जब वार्ड सचिव नजर आए तो यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा हालात को कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल दीप्ती, सुबह 9:30 बजे से इन लोग डटे हुए थे। बता दें कि पहले तो गर्दनी बाग में लोग 13 दिनों से डटे हुए थे। लगातार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग पासवान हो, ये इस सारे मामलों को लेकर पहुंचे थे कि समिति विधानसभा या लोकसभा में इस बात को रखे जाएगा। बता दें कि इसकी 4 सालों से ये लोग काम कर रहे थे, इनको वेतन से भी मुक्त कर दिया था, यहाँ तक कि पद से भी मुक्त कर दिया था। इस सब लेकर आक्रोश होकर इन लोगों ने जाकर आज बीजेपी का घेराव किया था, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का घेराव किया था। बता दें कि इससे पहले वो जाकर जेडीयू कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन जेडीयू कार्यालय के कुछ नेताओं ने कहा कि आप जाकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जाके घेराव करिए, क्योंकि बीजेपी सहयोगी और बीजेपी इन सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि बीजेपी के पास ही जाकर आप धरना प्रदर्शन करिए। बता दें कि लगातार 2017 से इन लोग काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के अभी सारे वेतन से मुक्त कर दिया गया था, साथ ही साथ इनको पद से भी हटा दी गई थी। जी विवेक, की लगातार हम दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर हालात बन गया है, क्योंकि लगातार ये उग्र प्रदर्शन जो हो रहा था, आपने जैसा बताया कि पिछले 13 दिन से धरना दिया जा रहा था, लेकिन किसी भी तरह से भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया विवेक? जी जी बिल्कुल, अभी तक सुबह 9:30 बजे लोग यहाँ पे डटे हुए थे, लेकिन जब रोज सहयोग कार्यक्रम लगाती है बीजेपी, उसी में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को भी आज जाना था, लेकिन इन सारे जब लोगों ने बताया गया कि यहाँ पे जाके आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन आपके बात को सुनी जाएगी, पंचायती राज मंत्री आपको सुनेंगे, लेकिन इन लोग गए, लेकिन इन लोगों पर जब मामला को जब हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखेगा विवेक, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर स्थिति किस तरह से बनी हुई है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से उग्र प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग मंगवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी।